हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मॉम्स किचन में। आज मॉम्स किचन में केले का दही बड़ा बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं इसमें ये कैसे बनता है। मैं 3 केला ली हूँ, कच्चा केला लेना है। और मैं गैस पे थोड़ा उसमें पानी रख देती हूँ। अभी मैं गैस को ऑन करने वाली हूँ। ये जब तक मैं इसको कट कर रही हूँ तो पानी उधर थोड़ा गर्म होगा। और इसके छिलके से मैं केले का टिकिया बनाऊंगी, जो कि बहुत खाने में अच्छा लगता है। अभी ये मेरा पानी गर्म हो गया, मैं इसमें थोड़ा हल्दी और नमक ली हूँ, वो डाल देती हूँ। ये पानी में मैं डाल दी हल्दी और नमक और इसको मैं डाल रही हूँ केले को। ये करने से एक तो नमक डालने से पकेगा भी जल्दी और इसका ये काला भी नहीं होता है। मैं 2 केला डाली हूँ और इसको मैं अभी बॉयल होने के लिए इसमें मैं केला डाली हूँ और इसको मैं अभी ढक दे रही हूँ। जैसे आलू बॉयल होता है, ये भी बॉयल हो जाएगा। तो तब तक मैं दही बड़ा का तैयारी कर रही हूँ। मैं 1 केला जो छोड़ी थी उसको भी इसमें डालती हूँ। इसमें 3 केला है। ये हल्दी और नमक डालने से काला नहीं होता है। बॉयल हो गया, देखिए इसको ऐसे करने से हो जाता है और इसका छिलका निकल जाएगा। इसके छिलका से मैं टिकिया बनाने वाली हूँ। ये सब मैं एक एक करके निकालती हूँ। अभी मैं केला को मिक्सी में पीस लूँगी और फिर उसके बाद में ये छिलका भी जो बॉयल करके निकाले हैं इसको टिकिया बनाएंगे, इसको भी पीस लेंगे, उसके बाद इसका टिकिया बनाएंगे। तो अभी मैं मिक्सी में चलाने जा रही हूँ। पीस कर ये केला का तैयार हो गया है दही बड़ा बनाने के लिए। इसमें मैं स्वाद के अनुसार आप डालिएगा, मैं 1/2 चम्मच नमक डाल रही हूँ। फिर वो छिलका को भी मैं मिक्सर में चलाने जा रही हूँ। इसमें थोड़ा सा इसमें मैं स्वाद के अनुसार 1/2 चम्मच नमक डाल रही हूँ। कोई जितना डालना है डालिए। 2 मैं लाल मिर्च ली हूँ, 1 इलायची, 3 ली हूँ 1/2 चम्मच, साबुत धनिया ली हूँ, जीरा ली हूँ और दालचीनी ली हूँ। ये सबको एक ही में डालकर मैं मिक्स करने वाली हूँ। मिक्सचर में चला दूँगी। को मैं थोड़ा चला ली हूँ केले का छिलका को और 1 टमाटर इसमें डाल के और मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद इसका टिकिया बनाऊंगी। टिकिया के लिए रेडी हो गया।
और इसमें जो दही बड़ा बनाने के लिए केला है उसमें थोड़ा मैं अजवाइन डालूंगी। थोड़ा पानी मैं गर्म करके रखी हूँ, इसमें थोड़ा मिर्ची डालती हूँ आधा चम्मच, और ये जो दही बड़ा में मसाला अलग से तैयार किया जाता है उसको मैं डाल रही हूँ। जब तक मैं उसको तैयार करूँगी इसका देखिए रेडी हो गया दही बड़ा के लिए। हल्दी और नमक ज़रूर डालिएगा, नहीं तो कुछ कुछ कलर में अंतर है। मेरा ये तैयार हो गया है, देखिए कढ़ाई गरम होके, तेल अपना आवश्यकता के अनुसार डालिए जितना आपको बनाना है दही बड़ा। देखिए अब ये मैं इसको चेक कर ली कि मेरा अब रेडी कढ़ाई गरम हो गया है डालने के लिए। छोटा छोटा मैं करके डाल रही हूँ। इसको थोड़ा पानी में डाल के करने से ये चिकना चिकना होगा, इसको ऐसे ऐसे गोल बना लेती हूँ। मैं इसमें डाल रही हूँ इसमें एक कटोरी दही डालना है। अभी वो जो दही बड़ा तैयार होगा उसको छान के इसी में डालना है। मैं इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल रही हूँ। ये दही बड़ा के लिए तैयार है। ये मेरा कढ़ाई में रेडी हो रहा है, देखिए अभी और पकना बाकी है। तब तक मैं टिकिया का तैयारी करती हूँ। एक बार ज़रूर केले का दही बड़ा बना कर खाइए। दाल का दही बड़ा आप तो बहुत ही खाई होंगी। इसमें थोड़ा सख्त होने के लिए सूजी डाल रही हूँ, थोड़ा कुरकुरा भी हो जाएगा। एक कटोरी में डाल दी
सूजी रवा कहिए या सूजी, कुछ लोग सूजी भी कहते हैं, कुछ लोग रवा कहते हैं। अब ये मेरा तैयार हो गया। इसमें पीसने के समय ही सब थोड़ा थोड़ा डाल देना। अभी देखिए मेरे कढ़ाई में केले का बड़ी तैयार हो रहा है। जब तक थोड़ा ब्राउन हो जाता है तो करना है। और पहले मैं इसका दही बड़ा, दही तैयार कर ली हूँ, इसमें से निकाल कर और मुझे उसी में डाल देंगे। जैसे आप और दाल का दही बड़ा बनाती हैं उस तरह, लेकिन दाल के दही बड़ा और केले के दही बड़ा में काफ़ी टेस्ट में अंतर आता है। एक आपके घर कोई मेहमान आए हैं उनको भी दे देंगी बनाकर। देखिए अब मेरा बिल्कुल ये दही बड़ा कुछ ही मिनट में तैयार हो जाएगा। ये बिल्कुल ब्राउन हो जाना चाहिए। देखिए मेरा कलर आ रहा है। एक केले से दो तरह का रेसिपी आप बना सकती हैं, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है और उतना टाइम भी नहीं लगता है। देखिए अभी मेरा कितना ये रेडी हो गया। तीन केला मैं ली हूँ और उसके कवर से मैं एक और टिकिया बना दी, इसका दही बड़ा बन गया। अब मैं टिकिया का तैयारी करती हूँ। देखिए ब्राउन हो गया ना। बिल्कुल नहीं चिपक रहा है। देखिए ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप एक बार जरूर बनाकर खाएं और मुझे बताएं आपको कैसा लगा। ये घर में सभी लोग को पसंद आता है। यदि आपके घर में मेहमान आए हुए हैं उनको भी आप दे सकती हैं। अब मैं ये वो केले का छिलके का टिकिया बना रही हूँ। ऐसे गोल गोल करके इसमें ऐसे डाल देना है। इसको आप नाश्ता में भी बना सकती हैं। अब हो गया। जब तक वो बनेगा मैं दही बड़ा को दही में डाल देती हूँ। ये देखिए इसी देर में ये खाने के लायक हो जाएगा। अभी मैं टिकिया बना रही हूँ। इसमें कोई झंझट भी नहीं है। देखिए ये भी मेरा टिकिया तैयार हो गया। आप इसको सॉस के साथ भी खा सकती हैं, चटनी के साथ भी खा सकती हैं।
इसको जब देखिए ब्राउन हो जाता है तो इसको पलट देना है। अब ये भी टिकिया तैयार हो गया। इसमें तेल भी नहीं उतना लगता है दाल के जैसा, जो दाल का बनता है दही बड़ा उसके जैसा इसमें तेल भी नहीं लगता है। अब यह मेरा दूसरा टिकिया भी रेडी हो गया। अब ये मेरा टिकिया तैयार हो गया। ये देखिए तीन केले में इतना सारा उसके छिलके काटी। ये इतना सारा आपको केले के छिलके का टिकिया हो गया छिलके से, और ये इतना दही बड़ा तीन केले से इतना बन गया है ना, मजे की बात। और इसमें आप सॉस डाल के खा सकते हैं। चटनी भी आप लेके खा सकते हैं। देखिए ये कितना अच्छा तैयार हुआ है। देखिए ये बिल्कुल कट जा रहा है एक बार में, है ना, सॉफ्ट भी है टेस्ट भी है। चलिए तो फिर एक बार आप जरूर बनाइए, इसका स्वाद लीजिए। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइए, ये नहीं भूलिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में इस तरह का बनाकर इजी से इजी रेसिपी आपको प्रस्तुत करूंगी। धन्यवाद।